Hey guys, this is Mamshab back again with another video and you are watching the Digital Notice. So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Monarch प्रोजेक्ट के बारे में और इसके टोकन्स के बारे में. तो यहाँ इसके टोकन्स इसलिए मैंने बोला क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे चीज है कि यहाँ पे एक टोकन की बजाय दो टोकन है. यूजली हमारा एक प्रोजेक्ट में हमें एक ही टोकन मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक यूटिलिटी टोकन है, दैट इज MT Monarch टोकन, और वहां पे दूसरे एंड पे हमारे यहाँ पर है एक सिक्योरिटी टोकन, दैट इज MTS. तो इसी सारी चीज को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, एंड ऑफकोर्स बात करेंगे इसके कंसेप्ट की, क्योंकि इसके कंसेप्ट में बहुत कुछ है. मतलब एक चीज से रिलेटेड इसका कंसेप्ट नहीं है, इनफैक्ट मल्टीपल चीजें हैं जो हमें यहां पर इनके इसमें मतलब Monarch प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिलेंगी, और काफी इंटरेस्टिंग वो चीजें हैं. और इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है. तो और उसके बाद बात करेंगे इनके फ्यूचर प्रिडिक्शन की, एंड इनका जो अभी ICO है वो भी लॉन्च होने वाला है, ऑलमोस्ट लेस देन अ डे उसमें बचा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड क्या उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हम प्रॉफिट बना सकते हैं या नहीं. तो हम आए इनकी वेबसाइट पे. तो यहाँ पे शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड नीचे दिए गए बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी तरफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें. हम हमेशा आपके लिए इस टाइप की वीडियोस लेकर आते हैं जहां डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपसे बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बहुत सारे रिलेटेड चीजों से हम बात करते हैं, ICO से रिलेटेड हम बात करते हैं. तो अगर आपको वाकई में इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो मेक श्योर आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो यहां पे हम पहले इसके कंसेप्ट को कवर करते हैं और कंसेप्ट के बाद हम बात करेंगे इनके जो टोकन स्ट्रक्चर है उसके बारे में. तो कंसेप्ट को जो कवर करने वाले हैं, तो हमें मल्टीपल चीजें हैं इसमें, तो एक एक करके हम वो चीजों को कवर करेंगे. सबसे पहली चीज कि यहाँ पे इनका एक मोबाइल ऐप है, जैसे कि आप इनका ऐप यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशन में है, तो ऑफकोर्स उसका अभी मतलब फुल वर्जन नहीं होगा, लेकिन आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे एक वॉलेट है इनका, इस वॉलेट में आप क्रिप्टो एसेट्स रख सकते हैं. तो नॉर्मली जैसे बहुत सारे आपने वॉलेट देखे होंगे जो एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होते हैं, वैसे ही एक वॉलेट है. उसके अलावा जो दूसरी चीज है, इनका एक अपना एक्सचेंज है जहां पे आप अपने जाके कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अलग चीज है. तो मतलब एक वॉलेट भी है, एक एक्सचेंज भी है. अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है इनके वॉलेट का, दैट इज कि आपकी जो क्रिप्टो जो मतलब आई मीन टू से जो आपकी जो प्राइवेट कीज होंगी वो आपके पास रहने वाली है. तो ये एक और प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो मोस्टली जो हमने वेब बेस्ड जितने भी अभी तक एक्सचेंजेस देखे हैं, वॉलेट देखे हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि जितने भी जो प्राइवेट कीज होती हैं वो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस के पास होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक्सचेंजेस के पास नहीं है. और यहाँ पे इनका जो वॉलेट का जो कुछ प्रोटोटाइप है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक GIF चल रहा है और वो आप उसमें देखेंगे कैसे आप इनका एक्सचेंज का है, और आप अपना पोर्टफोलियो भी इसमें ट्रैक कर सकते हैं. तो एक ऐप जिसमें आपका वॉलेट है, उसके बाद एक्सचेंज है, उसमें आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, और फिर उसमें आप अपने जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज हैं वो भी आपको मिलेंगे. तो मल्टी मतलब ये फंक्शनल ऐप है जिसमें मल्टीपर्पज ऐप है जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. उसके अलावा एक और जो अच्छा फीचर है, दैट इज कि यहाँ पे सारे हम फीचर्स पे आ जाते हैं. उसके बाद यहाँ पर जो आपके रिकरिंग बिल्स होते हैं, यानी मतलब से सपोज आप सर्विसेज लेते हैं, जैसे आपका टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो आपको हर मंथ देना होता है, वो आप यहाँ पे इस ऐप में डाल सकते हैं. वो इस ऐप के थ्रू आप शेड्यूल कर सकते हैं, वो रिकरिंग बिल्स जो है वो ऑटोमेटिकली हर महीने पे होते रहेंगे. तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट, ये एक और जो चीज लेके आए कि अपने ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मर्चेंट्स को लेकर आए. तो मर्चेंट वो हो गए जो बिजनेस कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हो गए. तो मर्चेंट एंड बिजनेस को भी मतलब कंज्यूमर्स को भी एक प्लेटफॉर्म टाइप ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप अपने रिकरिंग बिल्स हो गए या अपनी कोई भी चीज है जो अपनी सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो अमेज़न का हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स का हो, उसको सबको आप एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं. उसके अलावा देखिए कितनी सारी चीजें हो गई हैं, मैं एक एक करके गिना रहा हूं आपको. तो उसके अलावा एक और जो एक्स्ट्रा फीचर है कि इसमें जितने भी आपके पासवर्ड हैं, सपोज आपका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड है, अमेज़न का पासवर्ड, वो सारे आप एक जगह पे आप स्टोर कर सकते हैं, और आपको जो सिर्फ एक ही पासवर्ड मतलब जो Monarch ऐप का जो पासवर्ड होगा वो आपको याद रखना है, बाकी सारे जो आपके
पासवर्ड्स हैं, आपके जितने सारे क्रिप्टो एसेट्स हैं, आपकी फीड करेंसी, वो सब कुछ एक जगह पे स्टोर हो जाएगी, एक ऐप में हो जाएगी। आपके रिकरिंग बिल का जो कंसेप्ट है वो शेड्यूल हो जाएंगे, जो हर महीने आपको देने होते हैं। उसके अलावा आप इसको डेस्कटॉप वर्जन इसका है, मोबाइल ऐप तो है ही है। उसके बाद उसमें जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आपका पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हैं उसमें। और उसके अलावा भी इन फ्यूचर हमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। तो यहां पर सारे जो एडवांटेजेस आप देख सकते हैं कि भाई इनकी वेबसाइट के ऊपर क्या है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको सारा कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और यूजर्स के लिए ये क्या क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सारे प्रोटोटाइप में आपके पिक्चर्स टाइप में ये आपको शो कर रखा है। और यहाँ पर एक और जो फीचर है, सेंड ट्रांजेक्शन वाया यूजर इंस्टेड ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस। तो हमने देखा होगा जितनी क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक एड्रेसेस यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजर नेम के हेल्प से आप वो चीजें कर सकते हो। तो यानी मतलब एक और कुछ चीज इन्होंने नई टाइप की एड करी है। तो बाकी फ्री पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन वगैरह है, तो ये सारा कुछ तो ऑलरेडी है। मर्चेंट्स, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये मर्चेंट्स के यूजर्स के लिए भी है, मर्चेंट्स के लिए भी है। तो मर्चेंट्स के लिए क्या है कि ये जो वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट्स होती हैं, जितने भी सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो जो ऑनलाइन ये अपना शॉपिंग कार्ड बनाना चाहता है, एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाना चाहता है, तो वो इनकी जो जो सर्विसेज हैं, इनका जो गेटवे है, वो उसमें यूज कर सकता है, एम्बेड कर सकता है, लाइक शॉपिफाई हो गया, चाहे आपका वर्डप्रेस हो गया। तो ऑफकोर्स ये डेवलपमेंट में इस टाइप का लेके आएंगे, ताकि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली अपने मोनार्क वॉलेट से अपने यहाँ पे कर पाए, क्योंकि मर्चेंट ने इनको मतलब अपनी वेबसाइट्स के अंदर इंटीग्रेट कर रखा होगा। तो ये एक और अच्छी चीज है। तो उसके अलावा फिर जैसे मैंने कहा कि हम बाद में बात करने वाले थे इनके टोकन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे दो टोकन स्ट्रक्चर हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है इस प्रोजेक्ट को। तो पहला स्ट्रक्चर है जो जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, दैट इज द मोनार्क यूटिलिटी टोकन, और सेकंड जो है दैट इज मोनार्क सिक्योरिटी टोकन्स। तो यहाँ पर जो पहला टोकन है दैट इज एमटी टोकन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेरी सिमिलर टू जैसा बीएनबी टोकन है, और बीएनबी टोकन की मतलब आप बाइनेंस पे जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो अपनी ट्रेडिंग फीस है वो बीएनबी के टर्म्स में आप देते हैं, तो आपको वहां डिस्काउंट मिलता है। तो वेरी सिमिलर यहाँ पर जो एमटी टोकन मतलब जो यूटिलिटी टोकन है इनका, ये भी यही सेम यूज केस है इसका, कि जो भी आपके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इनके एक्सचेंज के ऊपर, जो भी आपको ट्रेडिंग फीस लगेगी, तो उसमें आपको अगर आप एमटी टोकन इनके अपने टोकन के थ्रू अगर आप पे कर रहे हैं वो ट्रेडिंग फीस, तो नियर अबाउट आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इनफैक्ट उसके अलावा 50% का डिस्काउंट कंज्यूमर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन फी लगेगा। यानी मतलब अगर आप से सपोज कोई बिल पे कर रहे हो या किसी मर्चेंट से कोई चीज खरीद रहे हो, मतलब किसी वर्डप्रेस पे इनके इंटीग्रेटेड हो और आप मतलब एमटी टोकन के थ्रू पे कर रहे हो, तो वहां पे आपको 50% अगेन डिस्काउंट मिलेगा। फिर यहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो यानी मतलब जितने एमटी टोकन होल्डर होंगे उनको इनका एक काइंड ऑफ टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मिलता रहेगा डिविडेंड का। और फिर यहां पर अभी जो इनका आईसीओ है वो स्टार्ट होने वाला है, 20 आवर्स ऑलमोस्ट बचे हैं इनका आईसीओ स्टार्ट होने में, तो यूटिलिटी टोकन जो है इनका बहुत जल्दी आईसीओ फेस में आ जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें मार्केट में जाके वो दिखेगा। फिर बात करते हैं हम इनके दूसरे टोकन के स्ट्रक्चर के, जो है सिक्योरिटी टोकन इनका। तो जो इनका सिक्योरिटी टोकन है वो सिल्वर बैक्ड है, यानी मतलब अभी तक हमने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स देखे हैं उसमें सारे कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो भी टोकन आता है मार्केट में वो बैक्ड नहीं होता किसी चीज से। तो ये सिक्योरिटी टोकन का मतलब ये होता है कि वो किसी चीज से एक तरीके से बैक्ड हो, तो यहाँ पे इन्होंने सिल्वर से उसको बैक किया गया है। और यहाँ पे जो इनके सिक्योरिटी टोकन है उसे होल्ड करने का फायदा यह है कि 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा जो एमटीएस होल्डर को। यानी मतलब क्या है कि जो भी सिक्योरिटी टोकन इनका होल्ड करेगा, तो जितना भी इनके अलग अलग मोड से ये लोग कमाएंगे, चाहे वो एक्सचेंज की ट्रेडिंग फीस के थ्रू हो या कहीं से भी हो, उसमें 50% जो होगा वो एक तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके अलावा 10% जो है वो जो इनका जो भी फंड रेज होगा उसमें से 10% ये लोग निकालेंगे और उससे कुछ सिल्वर खरीदी जाएगी। तो जितना भी फंड इनका रेज हुआ होगा वो सिल्वर खरीदने के लिए होगा, ताकि जो इनकी पोजीशन है वो जो बैकिंग एक काइंड ऑफ
मतलब एसेट है जो हमारा सिल्वर, वो ज्यादा से ज्यादा रहे और इनका जो कॉइन की जो वैल्यूएशन है वो उस सिल्वर के साथ बढ़ती रहे, ये चीज ये है। फिर 10% जो है कंज्यूमर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन फी अगर सिक्योरिटी टोकन में कर रहे हैं तो वो भी हो सकती है। और आगे जाके 1-to-1 का जो एयर ड्रॉप भी आपको यूटिलिटी टोकन का इनको मिलेगा जो भी सिक्योरिटी टोकन इनका होल्ड करेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे फीचर, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो काइंड ऑफ आपको प्राइवेट इन्वेस्टर की तरह यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप वहां पे आप जो पैसा देंगे उससे कुछ सिल्वर आपको खरीदा जाएगा। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन है या यूटिलिटी टोकन है, तो सिक्योरिटी टोकन 500 मिलियन है लेकिन अगर यूटिलिटी टोकन की बात करें तो वो 1 बिलियन है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी टोकन में एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स आ सकते हैं और यहाँ पे जो आपका यूटिलिटी टोकन है उसमें कोई भी आ सकता है एक्सेप्ट चाइनीज पीपल जो चाइनीज रेजिडेंट है। और इसकी जो हमारा प्री सेल जो स्टार्ट होने वाली है वो सिक्योरिटी टोकन की पहले ही हो गई थी, पहले ही क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट इसमें उठानी थी तो वो जू समवेयर इन जनवरी इन्होंने ये मतलब प्री सेल वगैरह इसकी कर ली थी। और अगर हम बात करें, अगर हम सिक्योरिटी टोकन की इनकी सेल की बात करें तो ये इन्होंने जून में ही पहले कर लिया है, और अगर हम बात करें इनके यूटिलिटी टोकन की तो वो अभी जुलाई में मतलब 15th of July से वो स्टार्ट हो रही है। फिर मेन सेल का अगर हम बात करें सिक्योरिटी टोकन की तो वो हो रही है 15th of August से, और दोनों ही मतलब 15th of August से हो रही है। टोकन प्राइस जो है सिक्योरिटी टोकन का दैट इज 25 सेंट्स और यूटिलिटी टोकन का है दैट इज 20 सेंट्स। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है सिक्योरिटी के केस में सिक्योरिटी टोकन अगर आपको खरीदना है तो वो 5 ETH एटलीस्ट आपको मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर यूटिलिटी टोकन आप खरीद रहे हैं तो 0.1 ETH खरीदना पड़ेगा। तो ये सारा क्वेश्चन मतलब ये सारा कंसेप्ट है और ये डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने एक चार्ट दे रखा है। इनका विजन जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा एग्जैक्टली। और यहाँ पे ऐप जो है वो अवेलेबल है फॉर iOS एंड मैक, और मैक के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और विंडोज के लिए भी अभी डाउनलोड आप कर सकते हैं इनका जो ऐप है। तो यहाँ इनके रोडमैप को देखें तो मतलब 2019 के Q4 में जाके कहीं ये पूरा होगा। टीम की बात करें लिंक्डइन पे आप जाके इनको सब कुछ दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे बहुत सारे यहाँ पे FAQs हैं, नीचे आप जाके देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो एक ही जगह पे ये लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर बात करें हम इनके फ्यूचर प्रेडिक्शन की तो देखिए कंसेप्ट पूरा नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें जब एक जगह लेके आए तो मुझे लगता है एग्जीक्यूशन उसका कैसे होगा मुझे वहां पे थोड़ा सा डाउट है। तो अगर ये चीज को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लोग इसको अडेप्ट करते हैं, अगर लोगों को कंफ्यूज ना होते हैं कि मेरे पास मतलब इस टाइप के क्या होता है कि अभी जो हमारे जो लोग हैं इन्वेस्टर जो हैं वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है अबाउट ब्लॉकचेन, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट इज। तो वो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई टोकन है, उनको नहीं डिफरेंस मालूम है कि सिक्योरिटी टोकन में क्या डिफरेंस है। बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम है और कुछ लोगों को मालूम है कि भाई यूटिलिटी टोकन क्या होते हैं। तो जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है। तो जिसको अगर इनकी टीम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लेती है तो मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर एक सेक्शन ऑफ द वेब जो इनका ऐप में जितनी सारी ये चीजें करना चाहते हैं अगर कोई भी एक हिट होता है तो मेरे ख्याल से वो बाकी सारे जो फंक्शंस हैं इनके प्रोजेक्ट के उसको वो साथ में अपने ऊपर लेके जा सकता है। तो आई गेस जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता था पूरी वो आप तक पहुंच गई होगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व, लेकिन आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, हम वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी डिटेल है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपकी तो एंसर रहता है तो ऑफकोर्स आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं एनीथिंग अबाउट इट। और अगर हमारी नॉलेज में होगा तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, अगर हमारी नॉलेज में नहीं होगा तो ऑफकोर्स हम इनकी टीम से पूछ के आपको बिल्कुल बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो जो है ये पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।